वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। रूस और यूक्रेन के ताजा हालात पर अमेरिका की नजर बनी हुई है। सदर जो बाइडेन ने तबादला ख्याल किया है। बाइडेन ने फ्रांस, जर्मनी और बर्तानिया से बात की है। वहीं व्हाइट हाउस ने खबर की जानकारी दी है। वाजे रहे कि रूस के अंदर वैगनर ग्रुप के जरिए तख्ता पलट करने की कोशिश हो रही है और इस तरीके से यहाँ अपने ही मुल्क में एक प्राइवेट आर्मी ने रूस को चैलेंज कर दिया है। वैगनर ग्रुप जो अब तक रूस के साथ मिलकर लड़ता हुआ यूक्रेन के अंदर नजर आ रहा था, लेकिन अब यहाँ अपने ही मुल्क रूस के अंदर जंग के हालात बने हुए हैं। अंदर खाने खबरें ये भी हैं कि दो जगहों पर, दो इलाकों पर वैगनर ग्रुप ने रूस में कब्जा कर लिया है। इस बीच अमेरिका की नजर रूस के मौजूदा हालात पर लगातार बनी हुई है। हालांकि रूस यूक्रेन जंग में शुरू से ही अमेरिका अपनी नजरें बनाए हुए है, लेकिन अब इस नए डेवलपमेंट के बाद से अमेरिका की तरफ से तबादला ख्याल किया गया है। रूस और यूक्रेन के ताजा हालात पर अमेरिका की नजर, जिसमें सदर जो बाइडेन ने तबादला ख्याल किया है। बाइडेन ने फ्रांस, जर्मनी और बर्तानिया से बात की है। व्हाइट हाउस ने खबर की ये जानकारी दी है। रूस यूक्रेन जंग जहां पहले से ही चल रही है, ऐसे में रूस के अंदर अपने ही मुल्क के अंदर जिस तरीके से जंग के हालात बन रहे हैं, वो और ज्यादा यहां तश्वीश पैदा करने वाले हैं। और इस पूरे मौजूदा हालात को देखते हुए, नए डेवलपमेंट को देखते हुए अमेरिका अपनी नजरें बनाए हुए है। रूस यूक्रेन के हालात पर अमेरिका की तरफ से तबादला ख्याल भी किया गया है और इसके लिए जर्मनी और बर्तानिया से बात की गई है। व्हाइट हाउस ने इसकी जानकारी दी है। तो रूस के तीन हेलीकॉप्टर्स को वैगनर ग्रुप के जरिए तबाह कर दिया गया और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जो डेवलपमेंट रूस के अंदर नजर आ रहा है। अमेरिका उसको बड़ी संजीदगी से देख रहा है, नजरें बनाए हुए है और अब इसको लेकर तबादला ख्याल भी किया गया है। और ये बातचीत जो है फ्रांस, जर्मनी से हुई है और बर्तानिया से हुई है। व्हाइट हाउस ने खुद इस बात की जानकारी दी है। तो रूस यूक्रेन के हालात पर अमेरिका की नजरें शुरू से बनी हुई है, लेकिन जिस तरीके से रशिया के अंदर उसकी प्राइवेट आर्मी के जरिए मोर्चा खोल दिया गया है, जंग के हालात पैदा कर दिए गए हैं, ये तस्वीरें आप देखेंगे कि रूस में किस तरीके से जो तीन हेलीकॉप्टर रशियन फोर्स के थे उसे वैगनर ग्रुप ने तबाह कर दिया और हालात उस वक्त मजीद खराब होते हुए नजर आए जब इस तरह की खबरें आई कि वैगनर ग्रुप ने रशिया के दो इलाकों पर कब्जा कर लिया है, दो एरिया को अपने कब्जे में ले लिया है। बाइडेन लगातार इस पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। वहीं रूस के सदर ने तुर्की के सदर से फोन पर बात की है। तुर्की के सदर को रूस के ताजा हालात की जानकारी दी है। रूस के वजारत खारजा ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। तुर्की के सदर ने रूस के जरिए उठाए जा रहे कदमों की हिमायत की है। एक तरफ जहां टर्की और रूस की हिमायत में नजर आ रहा है, वहीं इस बीच रूस के सदर ने खुद तुर्की के सदर से फोन पर बात की है। रजब तैयब एर्दोगान से फोन पर बात हुई है यहाँ पुतिन की और पुतिन ने तुर्की के सदर से रूस के ताजा हालात को लेकर जानकारी दी है, ये बातें शेयर की हैं। रूस की वजारत खारजा ने इस बात की जानकारी ट्वीट करके दी है। तुर्की के सदर ने रूस के जरिए उठाए जा रहे कदमों की हिमायत भी की है। रशिया अपने ही घर में घिरता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जिस तरीके से सदर पुतिन ने यह आगाह कर दिया है कि दहशतगर्दी के जैसा यहाँ सलूक किया जाएगा, वैगनर ग्रुप के जरिए इस तरह की हिमाकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तो वहीं अब इस मौजूदा सूरत हाल की जानकारी देते हुए खुद रूस के जो सदर पुतिन हैं वो तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से बातचीत करते हुए नजर आए हैं। इस बात की जानकारी खुद यहाँ पर रशिया के जरिए, रूस के वजारत खारजा के जरिए ट्वीट करके दी गई है कि तुर्की के सदर से उनकी बात हुई है, सदर पुतिन की, और ये भी बात हुई है कि तुर्की के सदर ने रूस के जरिए जो कदम उठाए जा रही हैं उसकी हिमायत की है। तो वर्ल्ड ऑर्डर में ये एक बड़ा चेंज नजर आ रहा है।